हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सॉर्ट ऑफ काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं किया था क्योंकि बारिश का मौसम था, इसलिए कहीं पे बाहर गया नहीं। तो आज हम लोग जा रहे हैं और जा रहे हैं कोलकाता से बैंगलोर बाय कार। तो अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सुबह के बज रहे 4:10। यहाँ से करीबन 1000 किलोमीटर्स का फर्स्ट डे का हम लोग का जर्नी प्लान किया हुआ है, यानी कि यहाँ से वाइजैक तक। तो देखते रहिए और आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर। इट्स नॉट क्लियरली अ ट्रिप बट आई लेट यू नो वाई। तो हम लोग बताएंगे आपको, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए आगे। तो गाड़ी रेडी है, लगेज पैक्ड है और हम लोग अभी निकलने वाले हैं। अभी बज रहे सुबह के 4:25। गाड़ी पूरा पैक्ड और भैया भाभी आए हैं मेरे भतीजे को छोड़ने के लिए। तो अभी बज रहे 4:40। हम लोग हाईवे हिट कर चुके हैं, एग्जैक्टली 4:30 बजे निकले थे। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्यों जा रहे हैं बैंगलोर, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो मेरा भतीजा है जो कैमरे के पीछे है अभी, वो यहाँ पे था 2 साल से। कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ तो बैंगलोर में नौकरी करते वहाँ पे वापस आ गया था। तो अभी क्या है कि उसको वापस जाना पड़ा ऑफिस, क्योंकि ऑफिस से बुलावा आ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम अभी ख़त्म होने वाला है, तो उसका ऑफिस से काम करना चालू होगा हाइब्रिड मॉडल पे। तो इसीलिए उसको वापस बैंगलोर जाना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे जब था वो गाड़ी खड़ी था, एक तो निक्सॉन ये वाला जो मैं अभी चला रहा हूँ, तो इसको लेके भी जाना है। अब अकेला उसके लिए इतना लंबा जाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग साथ जा रहे हैं। तो गाड़ी हम वहीं पे छोड़ के आएंगे, मैं फ्लाइट पकड़ के वापस कोलकाता आ जाऊँगा। ब्रेकफास्ट अभी तक किया नहीं है, तो ऑब्वियसली 4:30 बजे है तो ब्रेकफास्ट क्या ही करेगी। तो अराउंड 8 हम लोग का टारगेट है, जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और अभी तो अंधेरा है, सुबह हुआ नहीं है, ट्रक का काफ़ी हैवी यहाँ पे ट्रैफिक भी है। और बेस्ट पार्ट है कि हम लोग के साथ एक और भी है जो सरप्राइज पैकेज है वो है पीछे। तो ये है मैव, ये मेरे भतीजे का ही पेट है और ये भी हम लोग के साथ में जा रहा है। तो जब वो यहाँ पे लॉकडाउन में था तभी उसको लेके आए थे हम लोग घर पे, तो अब वो भी शिफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए उसके साथ मैव भी जा रहा है बेंगलोर। पहला स्टॉप लिया है अभी, अराउंड 85 किलोमीटर्स के आसपास हम लोग कवर कर चुके हैं रास्ता। तो यहाँ से फ्यूल अप कराएंगे, तो जैसे जा रहे हैं शाम तक पहुंच जाना चाहिए वाइजैक अराउंड 6-6:30 बजे मैक्स। और वो है मैव, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करते हुए बेचारा गाड़ी में उसको थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो टोटल पेट्रोल भी भराए हैं, पेट्रोल नहीं इनफैक्ट डीजल भराए हैं 3700 रुपये का, ऑलमोस्ट 40 लीटर। तो टैंक फुल करा लिए, अब 40 लीटर के रेंज में मुझे लगता है हम लोग पहुंच जाएंगे वाइजैक तक, क्योंकि माइलेज 20 के आसपास होना चाहिए। अब चलाने के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अराउंड 230 किलोमीटर चला चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी कितना बज रहे, टाइम हो रहा है अभी 7:35। ये एक रोड साइड होटल में रुके हैं, महालक्ष्मी बोल के, एकदम रास्ते के ऊपर ही था, मेन रोड के ऊपर। तो खाने में सिर्फ ऑर्डर दिए हैं रोटी और पनीर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, और मैप के लिए 2 अंडे। खाना ऑलरेडी आ चुका है, हम लोग जस्ट खाना वाना स्टार्ट करेंगे और खा के फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया, अभी सुबह के बजे अभी 8:05 बाकी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा घंटे से भी कम हम लोग यहाँ पे स्टॉप किए थे। जल्दी जल्दी जस्ट खाना खाएं और निकल जा रहा है अभी। तो यहाँ से अराउंड डिस्टेंस है और भी 700 किलोमीटर बाकी है, तो इसका मतलब अगर रास्ता वस्ता ठीक ठाक रहा तो 10 से 11 घंटा और लगेगा। तो शाम का 6-7 बजे के अंदर तो आराम से पहुँच जाना चाहिए वाइजैक तक। 500 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं, टाइम अभी हुआ है ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं। तो अभी श्रेयो चलाएगा, मैं अभी थोड़ा रेस्ट लूँगा और पीछे मैव बैठा हुआ है। यहाँ पे सीनरी भी अभी थोड़ा चेंज हो गया है, हल्का हल्का पहाड़ दिख रहा है अभी। अभी लैंडस्केप एकदम चेंज हो गया है, पहाड़ पूरा दिख रहा है यहाँ पे आगे। अभी जस्ट बारिश हो रहा था 1 सेकंड पहले और रुक गया, अभी धूप निकल आया, मतलब कभी बारिश हो रहा है कभी धूप मिल रहा है, गर्मी ऐसे बाहर काफ़ी ज़्यादा है।
रास्ता तो काफ़ी अच्छा अभी तक, लास्ट अराउंड 50 किलोमीटर तो अच्छा ही मिला, उससे पहले काफ़ी सारा डाइवर्शन था लेकिन लास्ट 50 किलोमीटर अच्छा रास्ता मिला और यहाँ पे काफ़ी सीनिक भी है। काफ़ी देर से खाने का जगह ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, एकदम आधा घंटा से ऊपर हम लोग रास्ते में ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, लेकिन फाइनली एक तो जगह मिला अभी खाने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है, तो देखते हैं अंदर क्या मिलेगा, पता नहीं, जो भी मिलेगा अभी काम चला लेंगे क्योंकि भूख बहुत ज़ोर का लगा और अभी 2:30 बज चुके ऑलरेडी। तो यहाँ से खाना खा के और अराउंड 190 किलोमीटर बाकी है वाइजैक पहुँचने में। तो अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग खाने के लिए वेट कर रहे हैं और ये जो जगह है यहाँ पे ऑफकोर्स हर जगह में तो डॉग्स अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे मैफ को घुसने नहीं दिया है तो वो बाहर बेचारा बैठा हुआ है, सिर्फ उसको पकड़ के बैठा हुआ है और हम लोग बाहर रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हैं और यहीं पे बैठ के हम लोग खाना खा रहे हैं। तो जल्दी से बोले थोड़ा जल्दी से दे देने, गर्मी बहुत है, बाहर बैठने में तकलीफ हो रहा है, तो खाना खा के बस जल्दी से निकल जाएंगे। अभी इसका हालत देख लो, ए तो मुख तो देखा, खेते दिखे ना तो भेतर डूबते दिखे ना, अरे डूबते दिखे ना भेतरे डूबते दिखे ना। खाना हो चुका है ख़त्म, ज़्यादा कुछ खाए नहीं, दो तंदूरी रोटी और बटर चिकन और उसके लिए अलग से तंदूरी रोटी और दही था। इसको आगे आना है, हम लोग इसको आगे नहीं आने दे रहे, तो ये कभी कभी घुसता हो जा रहा है। ऑलमोस्ट 6:45 हो गया है और हम लोग ने 900 किलोमीटर कवर कर चुका, वो भी घर से निकला हूँ मोर ऑर लेस 13 घंटा हो गया है, तो 13 घंटा में 900 किलोमीटर कवर भी हो गया है और हार्डली 20 या 25 किलोमीटर बाकी है जो हम लोग का होटल है वाइजैक में वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो प्रॉब्लम है कि किसी भी होटल में जाके नहीं रह सकते क्योंकि साथ में पेट है, तो पेट फ्रेंडली होटल ही होना चाहिए। तो लास्ट ईयर हम लोग आए थे एक होटल में यहाँ पे, तो वहाँ पे पेट्स अलाउड था क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग पेट लेके ही आए थे, तो इस साल इसीलिए देखते हैं अगर उसी होटल में जगह मिलता है तब तो बहुत ही बढ़िया, ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम डेटी वहीं पर आके रह पाएंगे। अगर नहीं मिलता है जगह तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वो होटल के बाहर तो पहुँच गए हैं जहाँ पे लास्ट टाइम थे पेट्स को लेके। अभी मेरे भतीजे बात करने गया, श्रेय बात करने गया अंदर में कि इस बार अलाउ करेंगे कि नहीं, तो मैं थोड़ा वेट करो बाहर, अगर बोल देते हैं हाँ तो फिर अंदर घुसा लेंगे, नहीं तो फिर जगह ढूंढना पड़ेगा, वही मुश्किल हो जाएगा। अभी इस टाइम में अगर जगह ढूंढना पड़े, टाइम ज़्यादा हुआ नहीं, वैसे 6:30 बज रहा है, 6:35 टाइम के हिसाब से हम लोग ठीक ही है, 922 किलोमीटर्स टोटल, 12-14 घंटा विच इज़ फाइन, टाइम के हिसाब से सही है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पेट अलाउड है कि नहीं, अगर ये वाला होटल मिल जाता तो अच्छा है, नहीं तो फिर से ढूंढना पड़ जाएगा। मैव ओ मैव, वो भी उसका मालिक गया हुआ है बाहर इसीलिए उसका वेट कर रहा है। बस जिस चीज़ का डर था वही हुआ, सोचे थे कि अगर ये मिल जाएगा तो अच्छा होगा, मिला नहीं। अभी booking.com में एक दूसरा होटल देखे पेट फ्रेंडली, यहाँ से थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, आप जाके देखते हैं। खाली आज रात क्या, आज तो अभी 6:30 तो 6:45 तो हो ही चुका है, सुबह 4:00 फिर निकल भी जाएंगे, कुछ घंटे का ही मतलब सवाल है, बस सोने का एक जगह चाहिए रात बिताने के लिए, बस सुबह निकल जाएंगे हम लोग। तो अगर ये जाके देखते अगर मिलता है तो अच्छा, नहीं तो थोड़ा मुसीबत हो जाएगा, पता नहीं क्या करेंगे, तो देखते हैं आपको बताएंगे।
क्या होता है फाइनली। तो फाइनली एक हम लोग को रूम मिला है और ये एकदम थोड़ा सिटी के अंदर में है, बीच साइड में नहीं है। और ये रूम एकदम छत के ऊपर है। अभी तो अंधेरा है, पता नहीं आप लोग को दिखेगा कि नहीं। ये बाहर का गेट है, ये छत है। ये कमरा दो जन के लिए काफ़ी बड़ा ही है मैं बोलूँगा। रूम में आते ही हम लोग का मैमलू बाबा लेट गया, एकदम पूरा टायर्ड हो गया बेचारा। आज गाड़ी में इतना दूर ट्रैवल करके बहुत टायर्ड हो गया। कल फिर 1000 किलोमीटर जाना है, तो इसीलिए अभी खाना वाना खाएंगे और जल्दी से सो जाएंगे। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे लेट, नहीं करेंगे। तो नहाने जाओ, तो खाना ऑर्डर कर रहे हैं अभी। खाना आएगा, खाएंगे और झट से सो जाएंगे। सुबह 4 बजे उठेंगे और निकल जाएंगे। कल 1000 किलोमीटर है और भी ज़्यादा डिस्टेंस है। आज 14 घंटा लगा हम लोग को आने में। तो कल हम लोग, आज का डिस्टेंस था 922 किलोमीटर, तो कल एटलीस्ट 15 घंटा तो मिनिमम लगेगा हमको लग रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल का जर्नी आपको कल दिखेगा, कल भी देखिएगा। आज देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।